चाहे आपके दांत पीले, नीले या फिर हरे हों, आप अपने दांतों को चमचमाता हुआ सफेद कर सकते हैं दाविंसी रिजोल्व सॉफ्टवेयर की मदद से, वो भी बिना कोलगेट के। कैसे, वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट टेक्निक सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है एमडी साहिल और आप देख रहे हैं T2H प्रोडक्शन, इंडिया का बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर लर्न कलर ग्रेडिंग। सो रिसेंटली मैंने एक म्यूजिक वीडियो कलर ग्रेड की, यू कैन ऑल्सो चेक दिस म्यूजिक वीडियो ऑन यूट्यूब। काफी अच्छी म्यूजिक वीडियो है, मुझे काफी पसंद आई, बट मुझे इसमें एक दिक्कत आई, अपने हीरो के दांत थोड़े पीले दिख रहे थे। तो मुझे क्लाइंट ने बोला, आप दांतों को थोड़ा वाइट करो, ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैंने बोला, बात तो सही है यार, बट मैं सोच रहा था शायद कलर ग्रेडिंग में कोई मिस्टेक हो गई है। पर जब मैंने चेक किया तो रो वीडियो के अंदर भी दांत पीले ही दिख रहे थे, इसका मतलब कलर ग्रेडिंग की कोई दिक्कत नहीं थी, वो रो वीडियो के अंदर ही शायद लाइटिंग वगैरह की कोई दिक्कत थी इसलिए वो दांत पीले दिख रहे थे, बाकी हमारे आर्टिस्ट के दांत इतने पीले है नहीं। सो फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और 2-3 ट्राई के बाद में उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। फिर मैंने सोचा, यार ये प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी आ सकती है और क्यों ना मैं इस टेक्निक को आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे आप लोगों का भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो ही जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर दो तो। बड़ा हरामी हो बेटा। तो स्टार्ट करते हैं दाविंसी रिजोल्व सॉफ्टवेयर और सीखते हैं वो टेक्निक जिससे हम अपने दांतों को चमचमाता हुआ खूबसूरत। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं दाविंसी रिजोल्व सॉफ्टवेयर के अंदर और अब हम पहुंच चुके हैं उस स्पेसिफिक शॉट पर जिसमें हमने दांतों को वाइट किया था और ये रहा वो नोड जिस पर हमने वो काम किया था। अभी मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाता हूँ। अरे अभी तो हमने दांत दिखाए नहीं है, आगे पहुंचते हैं। समझ रहे हो आप? जस्ट लुक एट दिस चमकते हुए दांत, बिफोर आफ्टर, और देखो दांत कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम सीखते हैं इसको कैसे हमने किया और इस टेक्निक के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका नया वर्जन बनाते हैं, अपनी वीडियो पर राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं क्रिएट न्यू वर्जन। अब हमने यहाँ पर नया वर्जन बना लिया तो इसको हम रीसेट कर सकते हैं, तो हम इसको रीसेट कर देते हैं बिल्कुल जीरो से। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मैं, यहाँ पर आपको पूरा लुक क्रिएट करके दिखाऊंगा इस म्यूजिक वीडियो का, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम बस ओनली इस टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि कैसे अपने दांतों को फिक्स करें। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो सबसे पहले हम 2-3 नोड क्रिएट कर लेते हैं, सीरियल नोड, ऑल्ट प्लस एस राइट, और उसके बाद में जो हमारा लास्ट नोड है इस पर हम डालेंगे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म। इसके बारे में मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर पूरा डिटेल में इस टॉपिक को कवर करूंगा। तो सबसे पहले हम इनपुट कलर स्पेस को चेंज करके सोनी एस गामट साइन 3 पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो शूट हुई है सोनी अल्फा 7S3 पर, तो इसमें जो कलर स्पेस है वो एस गामट साइन 3 यूज़ हुआ है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसका बेसिक कलर करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ऑफसेट को नीचे करके एक्सपोजर को डाउन करते हैं, थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ाते हैं लिटिल बिट, दिस इज गुड फॉर दिस वीडियो। अब सीखते हैं इन दांतों को कैसे और ज़्यादा सुंदर बनाया जाए। ऑल्ट प्लस एस प्रेस करके हम एक और सीरियल नोट बनाएंगे और उसको नीचे ले आते हैं इन सब से सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे एक पावर विंडो क्रिएट और ये कर्व वाला जो पैन टूल है इससे हम क्लिक कर एक पावर विंडो क्रिएट कर लेंगे। ग्रेट। देन सेकंड स्टेप है हमारा क्वालीफायर, ये जो पावर विंडो के साइड में क्वालीफायर वाला ऑप्शन है इस पर जाएंगे और मेक श्योर ये आपका यहाँ पर क्लिक होना चाहिए पहले वाले ऑप्शन पर क्वालीफायर पर, और जाकर हम अपने दांतों को सेलेक्ट करेंगे। कुछ नहीं हुआ अभी तक क्योंकि हमने कुछ किया भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो फिर हम करेंगे अपने हाईलाइट मोड को ऑन, तो आप देख सकते हो हमारे दांत सेलेक्ट हो चुके हैं। इसको हम अच्छे सेलेक्ट करते हैं, ह्यू में थोड़ा सा ह्यू को थोड़ा और बड़ा करते हैं, ब्रॉड करते हैं, एंड थोड़ा सा लुमिनेंस शैडो को कट करते हैं, क्लीन ब्लैक, हल्का रेडियस ब्लर। नाउ दिस इज परफेक्ट फॉर नाउ और हमारे दांत हो चुके हैं सेलेक्ट। तो ये पावर विंडो मैंने इसलिए बनाया है जिससे मैं ओनली दांतों को सेलेक्ट करके दांतों पे काम कर सकूं, बट इसमें एक दिक्कत है,
ये शॉट है मूविंग और अपनी पावर विंडो को मैच मूव करने के लिए हमको इसको ट्रैक करना पड़ेगा। तो चलिए ट्रैक करते हैं। तो आ जाते हैं अपने ट्रैक वाले विंडो पर और क्लिक करते हैं ट्रैक फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाले ऑप्शन पर और ये हमारा हो चुका है ट्रैक। अब ये सब्जेक्ट के साथ मूव कर रहा है। वेरी नाइस। ठीक है, अब चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप पर जो कि हमारा कलर वॉपर। अब इसके अंदर जाकर हम ये जो सिक्स वाला नंबर है इसको हम कर देंगे 12। और जैसे ही आप क्वालिफायर को दांतों के पास लेकर जाएंगे तो आपको वो स्पाइडर बॉक्स मतलब कलर वॉपर के अंदर बता देगा आपके दांतों का जो कलर है वो स्पाइडर बॉक्स में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप मेक श्योर ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लें, क्वालिफायर वाला, तो तब आ जाएगा। अब हमने दांतों को कर लिया है सेलेक्ट, तो ये इसने पॉइंट दिखा दिया कि हमारे दांत यहाँ पर है। तो ये जो गोला है स्पाइडर मकड़ी का जाला, इसके बीच में जो होता है वो होता है प्योर वाइट, जैसा कि मैंने टेम्परेचर एंड टिंट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि सेंटर में होता हमारा प्योर वाइट। बट अभी हमारा दांत जो है वो आ रहे हैं इधर वॉर्म की तरफ। समझ रहे हो आप। तो हम इसको ले आएंगे सेंटर की तरफ, लेफ्ट क्लिक से हमने इसको पकड़ा हुआ है, हम ले आए सेंटर पर। तो इससे हो गए हमारे दांत बिल्कुल वाइट, बट अभी भी थोड़ा सा चमचमाने वाली बात नहीं आई है। तो हम इसके अंदर शैडो को थोड़ा बढ़ाते हैं और थोड़ा हाईलाइट को बढ़ाते हैं। तो हमारे दांत दिख रहे हैं बिल्कुल वाइट। वेरी नाइस। तो ये वाला सीन हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि हमारे दांत हो चुके हैं बिल्कुल चमचमाते हुए सफ़ेद। बट मैं आपको एक बार और इस प्रोसेस को समझाना चाहता हूं, बट दूसरी फुटेज के ऊपर, जिससे आपको ये सारे के सारे स्टेप्स रट जाए दिमाग के अंदर। और ये है हमारा वो दूसरा सीन जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। इसके अंदर ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है हमने, तो देखिए कैसे कैसे इसको हम फिक्स करते हैं, क्योंकि इसके अंदर दांत और ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। तो राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और क्रिएट कर लेते हैं एक और नया वर्जन 3। रिसेट और फिर दोबारा से अपने 2-3 नोट बनाते हैं और इसके अंदर डालते हैं कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म और फिर सोनी एस गार्मेट साइन 3। अपना कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म चेंज करते हैं और थोड़ा एक्सपोजर को करेक्ट करते हैं। ऑफसेट को थोड़ा डाउन, मिड टोन अप, हाईलाइट डाउन, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं यहाँ पर। वेरी नाइस। अब देखते हैं इन दांतों को हम कैसे सही करते हैं। तो एक और सीरियल नोट बनाते हैं, ऑल्ट प्लस एस, और उसके बाद में हम करते हैं अपने दांतों को सेलेक्ट। बट ऐसा करना बहुत खतरे से खाली नहीं रहेगा, इसलिए हम करेंगे वही वाला टेक्निक यूज़। इसलिए मैं इसके अंदर पहले लगाऊंगा पावर विंडो, जिससे हम दांतों को ही सेलेक्ट करें ओनली। और फिर करते हैं दांतों को सेलेक्ट क्वालिफायर वाले विंडो में आकर। अब हो चुके हमारे दांत सेलेक्ट, थोड़ा सा इनको और क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा क्लीन ब्लैक करते हैं। वेरी नाइस। अब करते हैं इसको ट्रैक। डाविंसी रिजोल्व का ट्रैकर बहुत ही पावरफुल है। अब हमारा ये पूरा का पूरा हमारे दांत ट्रैक भी हो चुके हैं, सेलेक्ट भी हो चुके हैं। अब देखते हैं इसको कैसे हम वाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्पाइडर वॉप की तरफ, कलर वॉप पर, और इसको कर लेंगे दोबारा से 12। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पर एक बिंदु रेड। अब इसको हम स्ट्रेच करके अपने सेंटर पॉइंट पर ले आएंगे। अब ये हो गया है इनको प्योर वाइट, बट अब ये बहुत गंदे लग रहे हैं दांत, तो इनको और ज़्यादा फिक्स करने के लिए हम करेंगे शैडो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ऊपर करेंगे शैडो
और उसके बाद में बढ़ा देंगे अपनी हाईलाइट, जिसके बाद में हमारे दांत हो गए हैं बिल्कुल चमचमाते हुए सफ़ेद। और हाँ, सफ़ेद से याद आया, अगर आप भी कलर ग्रेडिंग के अंदर अपना फ्यूचर ब्राइट यानी सफ़ेद करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप एक प्रोफेशनल कलरिस्ट बनना चाहते हो तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसको करने के बाद आपका फ्यूचर और आपका वर्क नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं कलर ग्रेडिंग के साथ साथ फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं वो भी सिखाता हूँ। और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 5 साल के अंदर, जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो सब मैं इस कोर्स के अंदर आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर DM कर सकते हैं, जो कि है MD साहिल कलरिस्ट के नाम से। वहाँ पर DM करोगे तो मैं या मेरी टीम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तो सहजादा युवराज को भी फॉलो कर लेना, इनका अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा म्यूजिक बनाते हैं और हर महीने एक गाना लेकर आते हैं, बहुत बढ़िया सा गाना लेकर आते हैं। और अगर आपको दाविंसी रिजोल्व में कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ और एक नया वीडियो बनाऊँ आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो ठोकना है ठोक दो, क्योंकि आपका भी फायदा है मेरा भी फायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।